पोहरी में ऑनलाइन ठगी के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, जबकि गरीब लोग इस ठगी का शिकार हो रहे हैं। ऐसा ही मामला भारतीय स्टेट बैंक की शाखा पोहरी में देखने को मिला, जब फल विक्रेता अनिल राठौर राज्य मंत्री सुरेश राठखेड़ा से मिली सहायता राशि बैंक से निकालने गया तो उसने देखा कि उसके खाते से 17,000 रुपए की राशि गायब हो गई है, जबकि खाते में लाखों रुपए का लेन देन 2 माह में किया गया। जबकि उपभोक्ता कोई ऑनलाइन नहीं चलता, जबकि उपभोक्ता से शाखा प्रबंधक से इस बारे में जानकारी ली गई तो उन्होंने कहा कि मुझे क्या पता कैसे पैसे निकल गए, आपने कुछ ऑनलाइन किया होगा। सही जानकारी नहीं मिलने पर उपभोक्ता से जनसुनवाई से लेकर SP तक आवेदन दिया और CM हेल्पलाइन पर शिकायत की तो अधिकारियों ने झूठी जानकारी देकर शिकायत को बंद करवा दिया, लेकिन युवक को अभी तक ठगी के पैसे वापस नहीं मिले हैं। आपको बता दें कि बिना जानकारी अपना टारगेट पूरा करने उपभोक्ता के मोबाइल में योनो ऐप डाउनलोड कर लेते हैं। भारतीय स्टेट बैंक की शाखा पोहरी में शाखा प्रबंधक अपना टारगेट पूरा करने के लिए बिना सूचना के ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ता के मोबाइल में योनो ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोग आसानी से ठगी का शिकार हो रहे हैं। ये तुम्हारे खाते में जो ठगी हुई है वो क्या पूरा मामला है सर? ये ठगी का ये मामला मुझे जानकारी नहीं है। मैं गया था पासपोर्ट टाइप कराने के लिए, 1,000 रुपये आए थे मंत्री जी के, उनको निकालने के लिए। जब मेरे को मालूम चली थी कि पासपोर्ट हमारी भर गई, इसका मामले का मेरे को कोई जानकारी नहीं है। 1 महीने से ऊपर हो गया मेरे को फिरते फिरते। उसके बाद ब्रांच मैनेजर से बात नहीं की तुमने? ब्रांच मैनेजर से बात कही थी। क्या बोले? जी झांका नहीं है, खाता क्या ट्रांसफर कर लिया इन्होंने। तो कहाँ का खाता था? खाता ही मैनेजर कहीं गया था पोहरी शाखा। तुमने खुलवाया था? हाँ हमने खुलवाया था। तो ट्रांसफर जो पैसे निकले वो कैसे निकले बताया क्या कुछ मैनेजर सामने? नहीं जी हमने हमको नहीं बताया। नहीं बताया तो थाने में गए थे? थाने में गए थे। तो क्या हुआ? थाने वाले बोले बैंक पास जाओ। तो कब से चक्कर लगा रहे हैं? 1 महीने हो गया। तो आपने कहीं आवेदन और दिए हैं क्या थाने के? कहाँ कहाँ दिए? ना कहाँ कहाँ? जनसभा में दिए, कलेक्टर के पास भी दिए, SDO के पास भी दिए। तो कोई सुनवाई हुई? कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। तो कितने दिन हो गए अभी तक तो आपको चक्कर लगाते लगा? 1 महीने हो गया मेरे। 1 महीना हो गया। तो कितने पैसे निकल गए वैसे? आपके कितने डले थे उसमें? मेरे 14,000-15,000 रुपये। तो वो भी निकल गए? वो भी निकल गए। सर उपभोक्ता के साथ एक ठगी हुई है बैंक में, काफ़ी उसका लेन देन हुआ है, उसकी ID बनाकर शाखा प्रबंधक इस मामले में कुछ सुनने को तैयार नहीं है, बताइए सर। उपभोक्ता को मैं बुला लेता हूँ, आपके द्वारा जो जानकारी मेरे को दी गई है, अनिल राठौर करके उपभोक्ता है, उसको मैं बुलवा लेता हूँ और उससे पूछताछ करते हैं कैसे क्या उसके पैसे निकल गए हैं, और फिर शाखा प्रबंधक के द्वारा अपन जानकारी ले लेंगे और कार्रवाई करेंगे, जाँच करेंगे उसकी।